से मालूम आपको। नमाज किफायत का दरिया सही मुस्लिम की रिवायत आपने फरमा कहा, जुंदुब खसरी रजी अल्लाह के रावी कहते हैं, जिस शख्स ने सुबह की नमाज पढ़ी बस वो अल्लाह के अमन अमान में आ गया। जिसने फजर पढ़ ली अल्लाह ने उसका जिम्मा ले लिया आज का, और जिसने फजर नहीं पढ़ी समझ लो उसका जिम्मा खत्म हो गया है ना। एक सहाबी का वाकया, वायर का अल्लाह के रसूल, ये मेरा जो ऊंट है जिसपे थे वो, ये सुनता नहीं मेरी बात, क्या नहीं करता, बात नहीं सुनता मेरी। सही रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट के पास गए, उस ऊंट ने आपके कान मुबारक के पास अपना चेहरा लाया और कुछ कहा। साहबी ने कहा, इसने क्या कहा? तो कहा तुम्हारी कंप्लेन कर रहा था, शिकायत कर रहा था। कहा क्या कहा? कहा कि मैं इसलिए इसकी बात नहीं सुनता अल्लाह के रसूल कि ये फजर की नमाज को नहीं उठता। इससे हम आम जबान में कह सकते हैं किसी की मशीन बराबर नहीं चल रही, कारखाना ठप हो जा रहा, चीजें सिस्टम बराबर नहीं है, वर्कर साथ नहीं दे रहे, लोग छोड़ के भाग जा रहे, फजर में गड़बड़ है, क्योंकि तो वो ऊंट साथ नहीं दे रहा था फजर में गड़बड़ की वजह से। ये फजर नहीं पड़ता बोल के मैं इसकी बात नहीं सुनता, दिन भर कहीं भी भाग जा रहा, सुन रहा नहीं, उसको हकाला जा रहा तो मान रहा नहीं, हो रहा है, हो सकता है ऐसा, है ना। फजर नहीं पड़ रहे आप, बिजनेस नहीं चल रहा, होगा क्यों नहीं होगा, लोग आपकी बात नहीं मान रहे होंगे, मशीन ला रहे बार बार बिगड़ जा रही, फजर शुरू कर दीजिए, इंशाल्लाह देखिए सब मामले दुरुस्त होते जाते हैं। चूंकि जानवर इताअत नहीं कर रहा है कि इंसान की जो फजर की नमाज नहीं पढ़ रहा, जानवर नहीं कर रहा तो फरिश्ते क्या फटकेंगे उस आदमी के नजदीक, और क्या अल्लाह की रहमत आएंगे ऐसे आदमी के नजदीक, है ना। देखिए तो कहा ये हिफाजत का जरिया, जिसने पढ़ ली बस वो तो आज हिफाजत में आ गया। इसी